सामने जे इसे एट परसेंट जे इधर प्लस क्यों सी इधर माइनस सी जे उल्ट होंगे जे इधरली साइड माइनस चार्ज होंगे इधरली साइड प्लस चार्ज होंगे फिर की करते हैं फिर कितने फील्ड जीरो होना चाहिए इधर चार्ज माइनस इधर प्लस है दोनों की डिस्टेंस कुछ भी देता है सपोज कर लो आ रहा है हाँ जी फेयर फील्ड कितने होना चाहिए हम देखो प्लस का फील्ड अपने तो अवे प्लस का फील्ड अपने तो अवे माइनस का फील्ड अपने टुवर्ड्स प्लस चार्ज का फील्ड अपने तो अवे रेडियली आउटवर्ड माइनस का फील्ड अपने टुवर्ड्स रेडियली इनवर्ड इधर रेडियली इनवर्ड इधर रेडियली आउटवर्ड ये भी इको डायरेक्शन जाए इको डायरेक्शन जाए तो प्लस हो गए आगे जाके कितने फील्ड जीरो हो इस पॉइंट ते जाके कितने फील्ड हो जाएगा जीरो सपोज कर लो डिस्टेंस कितना है हुन आ डिस्टेंस हो गया एक्स तो बाकी कितना हो गया आर प्लस एक्स हुन आ वाला डिस्टेंस है एक्स तो बाकी टोटल जब क्यू वन तो देखो तो कितना डिस्टेंस है एक्स क्यू वन तो कितना डिस्टेंस है एक्स तो क्यू टू तो कितना हो जाएगा आर प्लस एक्स ये तो डिस्टेंस हो गया एक्स तो डिस्टेंस हो गया आर प्लस एक्स ਜੇਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਕਿਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਜੇਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਕਿਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇਖੋ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰਜਸ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है इन बिटवीन कितने भी फील्ड जीरो हो सकता है जे इधर नेगेटिव है तो इन अगे प्रोड्यूस करके फील्ड जीरो होना जे इधर नेगेटिव है तो इन अगे प्रोड्यूस करके उत्ते फील्ड जीरो होना मतलब ध्यान रखना भी चार्जेस सिमिलर है कि ऑपोजिट है नेगेटिव चार्ज किधर है जिधर नेगेटिव चार्ज है उन्होंने अगे प्रोड्यूस करके फील्ड जीरो होना रिजल्टेंट फील्ड जीरो हो सकता बस ये चीजें ध्यान रखना भी ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग देखना स्टेटमेंट्स की है क्वेश्चन अदर इंपॉर्टेंट है आंसर दे क्वेश्चन ठीक है जी सौखा ही है क्वेश्चन हम देखो पे नंबर एट क्वेश्चन नंबर सिक्स इधर नाल दा फोर्सेस भी कीता सी सेम इधर नाल दा क्वेश्चन आपका फोर्स वाले चैप्टर भी कीता इन नाल भी रिवाइज हो जाएगा पे नंबर एट ते क्वेश्चन नंबर सिक्स पे नंबर एट क्वेश्चन नंबर सिक्स तो हम आपको सॉल्व करेंगे पे नंबर एट क्वेश्चन नंबर फोर चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू दे आर प्लेस्ड एट फोर कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए एक स्क्वायर गिवन है स्क्वायर की हर एक साइड गिवन है ए स्क्वायर गिवन है स्क्वायर की हर एक साइड है ए फोर कॉर्नर पे फोर चार्जेस है फोर कॉर्नर्स है फोर चार्जेस है प्लस क्यू माइनस क्यू फोर चार्जेस है प्लस क्यू माइनस क्यू फोर कॉर्नर है फोर चार्जेस है हर एक साइड के बने फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर्स जरा सेंटर है सेंटर कितना कटूंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स सेंटर है जरा इधर ऊपर रिजल्टेंट फील्ड कितना होएगा फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इस सेंटर पे रिजल्टेंट फील्ड कितना होएगा ठीक है जी आ है कॉर्नर नंबर ए आ है कॉर्नर बी सी डी उन्हें इस कॉर्नर सेंटर पे चार्ज कड़ा कड़ा फील्ड लगाए मतलब ए सेंटर पे फील्ड किधर किधर हो सकते हैं ड्यू टू चार्ज एट ए ड्यू टू चार्ज एट बी ड्यू टू चार्ज एट सी ड्यू टू चार्ज एट डी चार फील्ड होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर फोन प्लस के ऊपर का मैग्नीट्यूड क्या है क्यू प्लस के ऊपर मैग्नीट्यूड क्यू माइनस के ऊपर मैग्नीट्यूड क्यू माइनस के ऊपर मैग्नीट्यूड क्यू सो चार्ज सारे में सेम है या प्लस है या माइनस मैग्नीट्यूड सारे में सेम है कौन आ डिस्टेंस भी देखो सेम है ए ओ डी ओ सी ओ भी सारी सेम है AO is equal to BO is equal to CO is equal to D. सारे इक्वल है ऑल आर इक्वल टू आर सारे डिस्टेंस कितने बराबर है आर ऑल आर इक्वल दे आर इक्वल टू आर हम आर करना कितना है
पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ऑल आर इक्वल लगाओ जी पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, या ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आया ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर किया गया अंडर रूट टू इंटू ए, अंडर रूट टू इंटू ए, सो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट टू इंटू ए, अंडर रूट टू इंटू ए, लेकिन सानू चाहिए ए हो जाने के आर, आर के बराबर है ए सी का हाफ, सेम यही न्यूमेरिकल कूलम लॉज किया है, सो व्हाट इज आर ए ओ, इट इज हाफ ऑफ ए सी अंडर रूट टू ए अपॉन टू एक्स बाय अंडर रूट एक्स की होता है अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स बाय एक्स, एक्स बाय अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स बाय एक्स, वन बाय अंडर रूट एक्स, सो वन बाय अंडर रूट, सो आर साइड को कितना आ गया सॉल्व करते हैं ए बाय अंडर रूट आर इज इक्वल टू ए ओ, ए सी द हाफ है अंडर रूट टू बाय टू, वन बाय अंडर रूट टू, सो व्हाट इज आर ए बाय अंडर रूट, हुण क्यों भी सारा ना सेम है आर भी सारा ना सेम है, इधर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सारे ना सेम ही है, सो चारे फील्ड्स इक्वल है क्योंकि सारे ना चारे दा मैग्नीट्यूड भी सेम है आर भी सेम है, इधर फील्ड इधर फील्ड इधर फील्ड इधर फील्ड, सारे चार सेम है, सारे ना डिस्टेंस भी सेम है, सो फील्ड सारे ना सेम ही होना, फिर फिल करके देखो 1/4π³ करो ए स्क्वायर बाय टू आ गया अंडर रूट टू द स्क्वायर टू, टू पर चल जाना, सो आ फील्ड है, सो ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू ई डी, सारे इधर बराबर है, आज जरा फील्ड कर लिया टू क्यू अपॉन ए स्क्वायर अपन दोनों आ गया फिल करके आ गया, आज जरा फील्ड आया इस चारे सेम है चार्ज एट ए चार्ज एट बी चार्ज एट सी चार्ज एट डी, चारे फील्ड इक्वल है सारे इधर बराबर, सो सारे फील्ड तो मैथमेटिकल इधर बराबर है, हम रिजल्टेंट देखिए थे डायरेक्शन की, ठीक है करें हम जो तुम समझाया सी प्लस द फील्ड अपने तो अवे माइनस द फील्ड अपने टुवर्ड्स, अब प्लस द चार्ज है प्लस द फील्ड होएगा अपने तो अवे ई ए, प्लस द फील्ड अपने तो अवे रेडियली आउटवर्ड्स, अगला चार्ज है माइनस, माइनस द फील्ड अपने टुवर्ड्स रेडियली इनवर्ड्स, प्लस द फील्ड है पर अपने तो अवे माइनस द फील्ड है पर अपने टुवर्ड्स, माइनस द फील्ड है पर अपने टुवर्ड्स प्लस द फील्ड अवे रेडियली आउटवर्ड रेडियली इनवर्ड, आगे दोनों समझ हम दे आर इन द सेम डायरेक्शन, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है सो दोनों में ऐड करो ई ए प्लस ई सी, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है सो दोनों का रिजल्टेंट कौन देगा दोनों का सम सेम डायरेक्शन प्लस करो व्हाट इज इवन दोनों का सम, तो दोनों ऐड करके दिया गया पी वन, दोनों ऐड करके आ गया पी वन, अभी प्लस के उचार है ए ते फील्ड लगाएगा इन ए ते फील्ड लगाना रीडली आउटवर्ड, सो प्लस मतलब ड्यू चार्ज एट बी, ड्यू चार्ज एट बी की फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की होगी ए ते फील्ड लगाएगा प्लस द चार्ज है प्लस द फील्ड रेडियली आउटवर्ड, माइनस चार्ज है माइनस द फील्ड लेते रेडियली इनवर्ड्स, सो इस पॉइंट पे बी द चार्ज है प्लस प्लस द फील्ड अपने तो अवे रेडियली आउटवर्ड्स, माइनस चार्ज है माइनस देते फील्ड रेडियली इनवर्ड्स, प्लस द फील्ड रेडियली आउटवर्ड माइनस द फील्ड रेडियली इनवर्ड्स, इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, सो व्हाट इज ई टू ई डी प्लस ई बी, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है जो डायरेक्शन सेम हो रिजल्टेंट की करी द प्लस, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है सो रिजल्टेंट करो प्लस व्हाट इज ई टू दोनों का सम, इन्होंने ऐड करके आ गया ई टू, एक साइड ई वन एक साइड ई टू, इन कंप्लीट द पैरेललोग्राम, कंप्लीट द पैरेललोग्राम दोनों साइड के लिए है एडजेसेंट, रिजल्टेंट कौन देगा डायगोनल, रिजल्टेंट कौन देगा डायगोनल,
दोनों साइड एडजेसेंट है, रिजल्टेंट कौन देगा डायगोनल, तुम दो वेक्टर दो एडजेसेंट साइड ने रिप्रेजेंट की थे, रिजल्टेंट इसलिए बनेगा डायगोनल, आर रिजल्टेंट ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, साइड ए डी और बी सी के पैरेलल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नो है नीचे नो जा रहा है, इट इज पैरेलल टू साइड ए डी और पैरेलल टू साइड बी सी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे नो जा रहा है, बी सी दे भी पैरेलल है, ए डी दे भी पैरेलल है, एंगल कितना है 90, पता है स्केयर का सेंटर एंगल कितना है 90, व्हाट इज ही अंडर रूट ऑफ E1 स्केयर प्लस E2 स्केयर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, cos कितना है 90, रिजल्टेंट ये कितना है E1 स्केयर प्लस E2 स्केयर प्लस 2E1 E2 cos 90 एंगल 90 cos 90 cos 90 0, सो थर्ड टर्म सारी की होगी 0, सो की हो गया थी रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ E1 स्केयर प्लस E2 स्केयर, E1 स्केयर प्लस E2 स्केयर इधर अंडर रूट कर लो, इधर रिजल्टेंट आ गया, इधर को फील्ड आ गया, वो फील्ड कितने पैरेलल है, पैरेलल टू द साइड BC और पैरेलल टू द साइड AD, ठीक है, ये कंप्लीट है, ओके।